पहले दिन ही हमको चमार और चूड़े और जाती सूचक शब्दों के साथ इस्तेमाल किया और कहा कि तुम यहाँ पढ़ने आए हो तुम्हें कौन पढ़ाएगा तो मैं उस टाइम बर्तन जो प्लेट थी धो रहा था कि और लोगों को जो खाना बचा है उन लोगों को सर्व हो सके और इंडीवर स्कॉर्पियो का मेरा लेवल स्टेटस और आज ये इतना बड़ा स्टूडियो और पूरा एक फीचर फिल्म बनाने का पूरा सेटअप कैमरा से लेकर के लाइट से लेकर एडिट से लेकर सब कुछ अपना खड़ा कर लिया मेरा नाम गौतम रत्ना है और मेरा जो गांव है वो डिस्ट्रिक्ट बलंसर के अंदर एक छोटा सा गांव है गडाना जो तहसील सिकंदराबाद और थाना ककोड़ लगता है मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं कि जो बहुत ही गरीब और शेड्यूल कास्ट समाज से बिलोंग करता था और मेरे जो पूरी कहानी है वो बहुत ही एक दर्दनाक भरी कहानी है मेरे जब मैं तीन साढ़े तीन साल का था तो मेरी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई कुछ बीमारी की वजह से क्योंकि गांव में उस टाइम कोई इलाज के साधन या अस्पताल के साधन नहीं हुआ करते थे उसके बाद से गांव के लोगों ने मेरी माँ को डायन तक कहना शुरू कर दिया क्योंकि सडनली उसके बाद दो डेथ और हो गई और हमारे मेरे गाँव में मेरे हमारे घर में कोई ज़मीन जायदाद नहीं है और ठाकुर बाहुल गांव है ठाकुर बाहुल मतलब ठाकुर जो कास्ट है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है तो उन्हीं के यहाँ पर हम लोग उनके खेत काट करके या एक आध भैंस रख करके अपना जीवन यापन मेरा शुरू हुआ क्योंकि बचपन में माँ मरने के बाद में लगभग लग डेढ़ दो साल बाद मेरी दादी एक्सपायर हो गई और डेढ़ दो साल बाद मेरी सिस्टर की मैरिज हो गई यानी कि लगभग सात आठ साल की उम्र से मुझे जो घर के जितने भी काम होते हैं गांव के अंदर जैसे गोबर पाथना है या भैंस का नहलाना है या खेत का काम है या जैसे कि हमारे घर कच्चे थे उन कच्चे घर में गोबर मिला के पीली मिट्टी मिला के उसको लीप करके एक फर्श के रूप में मतलब एक स्वच्छ के रूप में वो तैयार करना ये सब काम इस तरह के मैंने किए और आठवीं तक जो मेरी पढ़ाई हुई पाँचवीं तक की गांव में स्कूल में पढ़ाई हुई गांव में पाँचवीं तक का स्कूल था और वहां पर जो हमारे स्कूल के क्लास टीचर जो हमारे क्लास के टीचर थे वो ठाकुर समाज से थे तो जिस दिन पहले दिन हमारा स्कूल में मेरा एडमिशन होता है उसी दिन से हमने वहाँ पर एक जातिवादी मानसिकता को झेला क्यों उस समय जो टीचर थे जो क्लास टीचर थे उन्होंने पहले दिन ही हमको चमार और चूड़े और जाति सूचक शब्दों के साथ इस्तेमाल किया और कहा कि तुम यहाँ पढ़ने आए हो तुम्हें कौन पढ़ाएगा तो एक मन में एक सवाल उठा कि भाई हम क्यों नहीं पढ़ सकते कुछ लोग बाबा साहब के फॉलोअर थे हमारे गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तो उन्होंने कुछ बाबा साहब के जीवन के परिचय की किताबें हमारे गांव में मिल गई जिनसे हमने एक प्रेरणा ली और उनको पढ़ा कि जब बाबा साहब के जीवन में इतनी कठिनाइयों के बावजूद इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते तो पाँचवीं तक की गांव की पढ़ाई के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्कूल था छठी से आठवीं तक का वो गांव से पाँच किलोमीटर दूर था और कोई सड़क कोई साधन नहीं था जो रास्ता था रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियाँ हुआ करती थी और लगभग एक एक फिट दो दो फिट रेत में जा के क्योंकि पैसे का अभाव था पैसे फाइनेंशियल पोजीशन आर्थिक पोजीशन घर की ठीक नहीं थी तो हम नंगे पैर आठवीं तक स्कूल अपने जो आठवीं तक का स्कूल था उस शहर में आ, नंगे पैर जाया करते थे उसके बाद घर आकर के सारा काम करते थे आठवीं के बाद में मेरे एक जो बड़े भाई हैं सगे वो दिल्ली पहले से ही दिल्ली शिफ्ट हो गए थे दिल्ली में एक नौकरी करते थे वो हमको दिल्ली ले आए कि मैं दिल्ली में पढ़ाऊँगा लेकिन इतफाक से यहाँ कुछ फैमिली का माहौल था ऐसा था कि जो फैसिलिटी हमें दिल्ली में मिलने चाहिए थी परिवार से तो वो फैसिलिटी नहीं मिली लेकिन पढ़ने का एक जुनून था तो वो पढ़ाई करने के लिए मुझे अपना खर्चा चलाने के लिए रात को चौकीदार की नौकरी जो कॉलोनी में चौकीदार रहते हैं वो नौकरी मैं रात को करता था रात के टाइम और दिन मैं स्कूल जाता था ये मेरा स्कूल के टाइम की आपको बता रहा हूँ स्कूल से थोड़ा आगे बढ़े तो फिर मुझे मेरे गांव के एक दूरदर्शन में कैमरा मैन थे जिन्होंने मुझे इस लाइन में एज ए फ्रीलांस पर डे झाड़ी बेसिस पर एक काम स्पॉट बॉय का उन्होंने मुझे दिला दिया और उस ज़माने में पचास रुपये मुझे चौबीस घंटे काम करने के बदले पचास रुपये झाड़ी मिलती थी और खाना पीना फ्री मिलता था उसी वो जो मैं काम करता था महीने में चार से पाँच दिन जो काम मिल जाता था उसी से आ, मेरे जो किताबें और मेरी जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो सब खर्चा मैंने खुद से कमा करके पढ़ाई किया उसके बाद में फिर मैंने इंजीनियरिंग साइड में चला गया मैंने ड्राफ्टमैन सिविल से आईटीआई किया मैंने पॉलिटेक्निक में भी मेरा एडमिशन हुआ वहाँ पर भी मैं दो साल इंजीनियरिंग कर रहा था लेकिन आर्थिक कारणों की वजह से अट्ठासी से और नब्बे तक मैंने किया लेकिन वो इंजीनियरिंग मुझे बीच में छोड़ना पड़ा उसके बाद फिर आई आई करने के बाद फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब चला गया लेकिन पढ़ाई को मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि मैं बाबा साहब के उस कथन पर पूरा फॉलो करता रहा कि शिक्षा वो शेरणी का दूध है जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा तो फिर मैं दिन में नौकरी करता था तो दिल्ली में फैसिलिटी थी फिर मैंने पार्ट टाइम में जी पंत पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया जो मैं चार साल वहाँ डिप्लोमा में करता रहा फिर साथ साथ पैरेलल ये लाइन मेरे पार्ट टाइम है मेरे खर्चे के लिए मैं अपने इस लाइन में काम करता था तो धीरे धीरे मैं फिर इसमें मुझे जब पढ़ाई के लिए खर्चा निकालना था तो मैं इस लाइन में जब स्पॉट बॉय का काम करने गया तो स्पॉट बॉय का जो काम होता है फिल्म लाइन के अंदर वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर और जितनी भी टीम होती है उसको खाना खिलाना सर्व करना चाय पिलाना पानी पिलाना ये काम उसका होता है लेकिन इसी बीच में जब मैं दिल्ली के अंदर एक सीरियल की शूटिंग में काम कर रहा था इसी बीच में मेरे साथ में एक जो वहाँ प्रोड्यूसर थे और कैमरामैन वगैरह जो थे वहां पर कुछ खाने की प्लेटें कम पड़ गई जो कैटरिंग वाले से जो खाना पूरी यूनिट के लिए मंगाया गया था सब लोगों के लिए तो प्लेटें कम करने के बाद जो प्रोड्यूसर था वो बोला कि भाई काम करो ये स्पॉट बॉय है और इसको बोल दीजिए ये प्लेट धो देगा तो जब मैं प्लेट प्लेट धोने उस कोठी के अंदर किचन में चला गया तो इत्फाक से वहां जो कैमरा असिस्टेंट का काम कर रहे थे मैं उनको आज भी अपना गुरु का दर्जा देता हूँ मिस्टर एक प्रदीप राणा थे और बहुत ही टेक्निकल साउंड और बहुत एक्सपीरियंस होल्डर मतलब उनके सामने इतना मेहनती आदमी थे वो कि उनके सामने डायरेक्टर की भी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की तो वो इतफाक से पानी पीने के लिए किचन में आ गए इतफाक से तो मैं उस टाइम बर्तन जो प्लेट थी धो रहा था कि और लोगों को जो खाना बचा है उन लोगों को सर्व हो सके उन्होंने जैसे ही देखा कि भाई ये बर्तन धोने के लिए किसने कहा है उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बर्तन धोने के लिए आपको किसने कहा है मैंने कहा सर उन्होंने कहा है प्रोड्यूसर ने तो उन्होंने वहाँ से वो प्लेट उठा करके मेरे हाथ से छीन करके वहीं जो किचन में जो सिंक लगा होता वहीं पे उन्होंने रखवा दिया और मुझे बाहर लेकर आए पूरे यूनिट के सामने उनसे उन्हों उन्होंने पूछा भाई कि इस लड़के से ये स्पॉट बॉय का काम करने आया ये बर्तन धोने का काम किसने बोला इसको तो वहाँ फिर कोई नहीं बोला सब चुप हो गए फिर उन्होंने वहीं पर ये अनाउंस किया मुझे एक, एक, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला उन्होंने वहाँ पर अनाउंस किया कि आज के बाद ये लड़का कैमरे के साथ मेरे कैमरे के साथ में एज ए कैमरा असिस्टेंट का काम करेगा अटेंडेंट का काम करेगा और आज के बाद ये आप भले ही इसको पैसे आप स्पोर्ट बॉय का दीजिए झाड़ी क्योंकि स्पोर्ट बॉय का पचास रुपये होता था और कैमरा अटेंडेंट और असिस्टेंट का डेढ़ सौ रुपये झाड़ी होता था तो उन्होंने कहा कि भाई भले ही आप पैसा इसको पचास रुपये दीजिए लेकिन ये इसका काम नहीं था बर्तन धोने का आपने उससे वो गलत काम लिया और ये कल से लड़का मेरे तब मेरे को वहाँ से ये इस लाइन में जाने का धीरे धीरे स्टेप जो बढ़ने का आगे बढ़ने का जो मौका है वहाँ से मेरी शुरुआत हुई फिर लास्ट में आकर के मैं एज ए सिविल इंजीनियर आर्किटेक्चर असिस्टेंट की प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी करने लगा और रात को इंजीनियर में वहाँ पढ़ाई करने लगा पॉलिटेक्निक जी बी दिल्ली ओखला में है उसके बाद में नाइन्टी में जब मुझे कंपनी का एक पार्टनरशिप में ऑफ़र मिला तो मैंने वो पार्टनरशिप स्वीकार कर लिया और मेरे पास जितना भी पैसे मैंने इकट्ठे किए थे कि भैया मैं, मैं अपने फादर को दिल्ली ला अपने पास रखूँगा क्योंकि गाँव में एक तो जातिवादी शोषण मेरे गांव में ठाकुरों का बहुत ज़्यादा था और आज भी आज भी वो बरकरार है तो उसके बाद जब हमने कंपनी चालू की तो बहुत अच्छा इनकम हो गया कुछ चीज़ें ऐसी वहां पर हुई कि जिसकी वजह से पार्टनरशिप दो साल बाद मेरा पार्टनरशिप ख़त्म हो गया क्योंकि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बुद्ध का फॉलोअर था तो मैं अपनी स्टैचू अपने उस पर रखता था तो पार्टनर जो लोग हैं उनका कहना था कि यार ये लगाओगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा तो जब 95 में जब कंपनी शुरू हुई कुछ डिस्प्यूट हो गए पार्टनरशिप में तो जब हमने 97 में अलग होने का फैसला मेरा पार्टनरशिप से हो गया तब हमने बीच में कोई कैलकुलेशन नहीं किया था टोटल की हमारी इनकम क्या है और हमारा एक था कि भाई कंपनी को बहुत बड़ा बनना है और बड़ा आदमी बनना है तो हम कोई भी पैसा कंपनी से लेते नहीं थे दोनों तीनों पार्टनर में से तीनों पार्टनर में से जब मेरा पार्टनरशिप खत्म हुआ जब हमने पूरा फाइनेंशियल पूरे डेढ़ पौने दो साल का जो अकाउंट निकाला मात्र सत्तर सत्तर हजार तीन लोगों ने उस टाइम उस कंपनी को खड़ा करने के लिए लगाए और जब हमने पौने दो साल बाद उस कंपनी का अकाउंट को टैली किया तो आप सोच करके हैरान रह जाएंगे एक लाख पैंसठ हजार रुपये महीने का मेरी कंपनी का इनकम था तो डिस्प्यूट हो गया मैं अलग हो गया अलग होने के बाद फिर आ, क्योंकि आ, दो शेयर उनके पास चले गए और मैं अकेला हो गया फिर मैंने अकेले दोबारा से अपनी कंपनी को खड़ा किया और उस टाइम में मेरे जो कंपनी का इनकम था इंडिपेंडेंट होने के बाद अप्रॉक्सीमेट फाइव लाख रुपीज़ पर मंथ का था लेकिन मैंने उसी में उसको हमेशा कंपनी को बढ़ाने के लिए मैंने पहला दिल्ली के अंदर फिल्म लाइन के अंदर जो साउंड प्रूफ जनरेटर यूज होते हैं पहला मैंने क्योंकि मैं आर्किटेक्चर फील्ड से था आर्किटेक्चर में मैंने कोर्स किया हुआ था नक्शा बनाना और डिजाइन करना ये सब तो मैंने एक साउंड प्रूफ जनरेटर डिज़ाइन किया पहला जनरेटर दिल्ली के अंदर फिल्म लाइन के अंदर फिर मैंने एक वैनिटी वैन डिज़ाइन किया जिसमें आप आप देखते होंगे जिसमें एक्टर और एक्ट्रेस जो है वो हमेशा एक वी गाड़ी उनके लिए रहता है वो मैंने बनाया यहाँ तक सब बहुत अच्छा चलता रहा तो तीन साल पहले मैंने डिसाइड किया कि भाई मैंने सब कुछ तो कर लिया जीवन में फाइव स्टार लग्जरी लाइफ चार चार ड्राइवर अपने पर्सनल और इंडिवर स्कॉर्पियो का मेरा लेवल स्टेटस और आज ये इतना बड़ा स्टूडियो और पूरा एक फीचर फिल्म बनाने का पूरा सेटअप कैमरा से लेकर के लाइट से लेकर एडिट से लेकर सब कुछ अपना खड़ा कर लिया तो लगभग ढाई तीन साल पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं उस कम्युनिटी के लिए अब काम करूंगा जिस कम्युनिटी का पूरे देश के अंदर शोषण होता है जातिवाद के नाम पर चाहे वो हत्या कह लीजिए चाहे उन गरीब समाज की जो लोअर कास्ट जिसको कहते हैं एस है, है, सी एस टी या जाति या ओ उनके कहीं रेप होते हैं जब मैंने इस पर काम करना चालू किया तो मैंने एक चैनल भी क्रिएट किया कि उन लोगों की जो आ, आवाज में बनू और उन लोगों की आवाज को मैं उठाऊं अत्याचार की तो मैंने अपने चैनल का नाम क्योंकि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से प्रभावित था तो मैंने उनके उस चैनल का अपने यूट्यूब चैनल का नाम अंबेडकर नेशन रख दिया अंबेडकर नेशन चैनल पर जब मैंने इस व्यवस्था के खिलाफ बोलना चालू किया जिसको हम मनुस्मृति व्यवस्था कहते हैं जो पहले से संविधान लागू होने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान लागू होने से पहले मनुस्मृति मनु, व्यवस्था रही है पूरे देश के अंदर जब उसके खिलाफ बोलना चालू किया और कास्टिंग के खिलाफ बोलना चालू किया अंधविश्वास के खिलाफ चालू किया क्योंकि मैं आज तक किसी भी अपने जीवन के अंदर मैं कभी भी ना मंदिर गया हूँ ना मस्जिद गया हूँ ना गुरुद्वारा गया हूँ ना चर्च गया हूँ तो जो लोग धर्म के नाम पर भगवान के नाम पे आ, लोगों को गुमराह करते हैं तो अगर ऐसा है भगवान ही सब कुछ करता है तो मैं यहां तक कैसे पहुंचा मैं तो अपनी मेहनत से पहुंचा कभी मंदिर नहीं गया ना उसमें बिलीव किया कभी भी तो ये कैसे हुआ में मैं बिलीव इसलिए किया कि टोटली जब पढ़ा तो तो वहां लगा कि ये तो टोटली साइंटिफिकल और तर्कशील है तो मैंने बुद्धिज्म दीक्षा लिया नाइनटीन नाइनटी एट के अंदर तो ये इस तरह से जो और अब जो मुझे अब मैं उस प्लेटफॉर्म से पहुंचने के बाद इतने हाईलाइट पहुंचने के बाद इतने हाइट पे पहुंचने के बाद आज जो मेरी स्थिति हो गई है खाली पुअर सेक्शन को न्याय दिलाने के पीछे और अम्बेडकर नेशन चैनल नाम रखने के पीछे जिन चैनलों के साथ मेरा बिजनेस चलता था जिसमें सारे चैनल हैं चाहे वो आज तक हो चाहे वो जी न्यूज़ हो चाहे वो आपका इंडिया टीवी हो चाहे चाहे ए बी पी न्यूज़ हो स्टार न्यूज़ हो जितने भी राष्ट्रीय चैनल हैं उन सबके लाइव टेलीकास्ट में, में मेरा इक्विपमेंट का सेटअप लगता था जनरेटर वैन लगती थी कैमरा लगता था और इतना बड़ा इनकम था जब मैंने ये अम्बेडकर नेशन चालू किया तो मुझे इनडायरेक्टली वहां से ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया एक बड़े दुख की बात है कि हम सोच रहे थे कि तो अब तो लोग बहुत अवेयर हो गए जातिवाद की बात होती ही नहीं है लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब हमने ये काम चालू किया तो आज ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया और आज मेरे पास में कोई बिजनेस नहीं है कोई काम नहीं है मेरा पूरा का पूरा सेटअप खाली है क्योंकि फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग जो पुअर सेक्शन है पुअर कास्ट जिसको कहते हैं एस सी एस टी ओ बी सी माइनोरिटी एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है क्यों नहीं है एक तरफ तो सरकारें कहती हैं चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो कि भाई अब बहुत बराबरी हो गया लोग रिजर्वेशन के खिलाफ खड़े होते हैं तो बराबरी हो गया तो फिर आज भी एक भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है देश का उसका एक भी मालिक आज भी इस इस कम्युनिटी से क्यों नहीं पैदा किया इस देश के अंदर तो एक बहुत बड़ी विडंबना है और आज मैं जिस जगह जिस हाइट पे पहुंचा था फाइनेंशियल पोजीशन आर्थिक पोजीशन को खड़ा किया था आज मैं वापस उस जगह डाउन में नीचे आकर के खड़ा हूं लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैं अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए मैं काम करता रहूंगा यही मेरी कहानी है सर और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं चैनल पर वो एक प्रेरणा लें और अपने जीवन में एक अच्छी मेहनत करके अपना एक मुकाम हासिल करें जय भीम जय भारत जय संविधान अंबेडकर निशन से गौतम रत्ना